बाइक सवार ने आधा दर्जन लोगों को टक्कर मार कर किया घायल। मामला शिवपुर जिले के देहात थाने के अंतर्गत बड़ौदा रोड के ग्राम चोटपुर के पास का है, जहां रविवार की सुबह एक बाइक सवार ने टक्कर मार कर आधा दर्जन लोगों को घायल कर दिया। जहां घायलों की माने तो सभी आधा दर्जन घायल महिला पुरुष तीन बाइकों से अल सुबह मजदूरी करने दुदुनी जा रहे थे कि दुदुनी जाते वक्त बड़ौदा रोड बर्फ फैक्ट्री के पास सामने से आ रहा बाइक सवार ने तेज गति व लापरवाही से बाइक चलाते हुए मजदूरी करने जा रहे लोगों को टक्कर मार दी, जहां बाइक की टक्कर से बाइक पर सवार आधा दर्जन लोगों को घायल करके बाइक चालक रफूचक्कर भी हो गया। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे बाइक सवार ने बाइक को इतना तेज गति से घुमाया कि तीन मोटरसाइकिलों पर सवार आधा दर्जन लोग बाइक की टक्कर से घायल हो गए, जिसमें एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों का जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों द्वारा इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने टक्कर मारने वाले अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। रणजीत, कैसे टक्कर लगी? पहले गिर गए, फिर बाद में हम गिरे। कौन गिर गया पहले? पहले मोटरसाइकिल पहले गिर गए, पीछे से हम गिरे, उसके पीछे से और गिरे ना, फिर लगी चोट। अच्छा, तो एक ही बाइक वाले ने कितने लोगों को टक्कर मारी? सात आठ आदमी। आप लोगों ने बाइक का नंबर नहीं दिया, फिर टक्कर मारने के बाद भाग गया वो? गिर गए, चोट ही गिर गया, अब क्या लगे पता नहीं कौन है। अच्छा, आदमी आदमी गिरे पड़े वो। आदमी आदमी गिरे, कितने लोग घायल हुए? लगभग पाँच छः आदमी घायल हुए, यानी अलग अलग मोटरसाइकिलों पर पाँच छः लोग घायल हुए, एक ही बाइक ने सबको घायल कर दिया। मेमराज, कहाँ एक्सीडेंट हुआ था, कितने लोग घायल हुए? वे तो सर चार मोटरसाइकिल थे, अब ज़्यादा नहीं तो सात आठ आदमी थे। सात आठ आदमी घायल हुए, किस जगह की घटना है? ये यहाँ की बर्फ फैक्ट्री के पास, बर्फ चौंडपुर बर्फ फैक्ट्री के पास। यहाँ तो बाइक पे जो व्यक्ति आया था, उस एक बाइक वाले ने सबको टक्कर मारी? हाँ, पूरे के देख के निकल गया, वो उल्टा सुल्टा घुमा के लेके गए, तो गाड़ी बैठ गई थी। अच्छा, नंबर गाड़ी का सर हमने मालूम नहीं, मेरे चोट लग गई थी तो ध्यान में नहीं। अच्छा, तुम्हारे चोट लग गई थी तो तुमने ध्यान नहीं दिया? कहाँ कहाँ चोट लगी तुम्हारे? तो तुम बाइक पर अकेले थे? कहाँ से आ रहे थे? ददुनी से आ रहा था सर, लून की टंकी पे काम करने जा रहे। कहाँ करते हो? लून की टंकी है ना वो। अच्छा, वहाँ काम करते हो, वहाँ जा रहे थे ददुनी से आके। इस दरमियान तुम्हें जो है सामने से टक्कर मारी बाइक से? चोरपुर के पास बोले तो सही, कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? अजयपुरा, चौंडपुर के पास हुआ क्या? अजयपुरा के पास नहीं, चौराहे से आगे जाते हो ना। अच्छा, फार्म के पास हुआ। कैसे एक्सीडेंट हुआ आपका? क्या कौन सी गाड़ी थी? मोटरसाइकिल हमारी थी, जा रही थी, दूसरे ने दे दी बड़बड़ाते। दूसरे ने दे दी। कितनी गाड़ियों का आपस में हुआ एक्सीडेंट? पहले से दो गाड़ी का हो रहा था एक्सीडेंट, फिर वो उसको देखते देखते हमारे दे दी उसने। अच्छा, तो कितने लोग घायल हुए उसमें? तीन लोग घायल हुए। क्या नाम है तुम्हारा? अस्मिता। कौन से गांव की हो? जेदा मंडी की हो। कहाँ से आ रही थी तुम? जेदा मंडी से आ रहे थे। जा कहाँ रहे थे? काम करने जा रहे थे। कौन सी जगह? उधर ही फार्म के आगे थोड़ा काम। तो सभी लोग काम करने जा रहे थे? हम तीनों ही काम करने जा रहे थे। तुम तीनों ही काम करने जा रहे थे, तो बाइक ने सामने से टक्कर मार दी आपको? दूसरे ने दे दी। पांडे जी, बड़ौदा रोड चौंडपुर पर एक एक्सीडेंट का मामला जिला चिकित्सालय में आया, क्या मामला और कितने लोग घायल हुए? हाँ, ये तीन मोटरसाइकिल से आ रहे थे उधर से मऊजानपुरा वगैरह से, या मैं ये कुछ तो बगदरी के हैं, कुछ मऊ के हैं, कुछ ददुनी के हैं, ये लोग बैठे थे उसमें। एक मोटरसाइकिल वाला इधर से गया है बता रहे हैं ये, उनके बताए अनुसार कि वो एक ही मोटरसाइकिल ने तीनों मोटरसाइकिल में टक्कर मारी है, तो दो तीन महिलाएं और दो तीन पुरुष उनमें घायल हुए हैं, तीन मोटरसाइकिल वाले जख्मी हुए हैं उसमें, और सबका इलाज चल रहा है, सबको चोटें लगी हैं, किसी के सिर में, किसी की पसली में, सब जो है इलाजरत है और उनको एक्सरे वगैरह के लिए भेज दिया गया है और कार्रवाई जारी है। ऐसा तो नहीं है कोई ज़्यादा गंभीर घायल हो? ऐसा गंभीर तो अब पता चलेगा, वैसे कोई खास ऐसे गंभीर नहीं है, लेकिन चोट तो है उन लोगों को, अभी फिलहाल तो स्थिति काबू में है। मतलब ऐसी स्थिति नहीं है कि अपन ऐसा मान ले कि किसी को बाहर रेफर किया जा रहा हो?
हाँ रिफर के जो डॉक्टर साहब देख रहे हैं, अगर रिफर करने लायक स्थिति हो तो उसको रिफर कराया जाएगा।